नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके धारण करने के बाद आपको धन्य धन से संपन्न कर देंगे, साथ ही साथ ये वाक सिद्धि प्रदान करते। मान के चलिए, अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है कि जा तू धनवान बन जाए, तो एक महीने के भीतर में अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। और अगर आप किसी को बोलते हैं, श्राप स्वरूप बोल लीजिए या बद्दुआ स्वरूप बोल लीजिए कि तूने मेरा यह नुकसान किया है, जा तेरा दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी तरह से बहुत सारे यंत्र हैं हमारे बीच में जो कि आज भी प्रभावी ढंग से काम करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि ना चाहते हुए भी देवी देवताओं को हमें आशीर्वाद देना ही पड़ता है। जो पुराने समय के राक्षस थे, तपस्या करके देवी देवताओं से सिद्धि प्राप्त करते थे, वरदान प्राप्त करते थे। ना चाहते हुए भी देवी देवताओं को वरदान देना पड़ता है, क्योंकि मंत्र और तंत्र में इतना शक्ति होती है कि जिसके दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। देवी देवताओं को ना चाहते हुए भी आपको आशीर्वाद देना पड़ता है। तो इसी तरह से दोस्तों, एक है वचन सिद्धि यंत्र, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये है वचन सिद्धि यंत्र, इसे किस प्रकार से जागरण किया जाता है, कब धारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, आप सभी को प्राचीन ज्ञान की जानकारी, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जानकारी सिखाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ फ्री में जुड़ जाएं। तो इस यंत्र को सबसे पहले देख लीजिए, इसे जिसका नाम ही है वचन सिद्धि यंत्र। जी हाँ, आपके जो वचन है ना, वो सिद्ध हो जाएंगे। मतलब जो भी शब्द बोलेंगे भगवान की तरह, जैसे कि भगवान विष्णु जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्म जी आशीर्वाद देते हैं, जो छोटे मोटे देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, ठीक दोस्तों आप भी किसी को आशीर्वाद दे देंगे, शब्द बोल देंगे कि जा तेरा ऐसा हो जाए, बिल्कुल ही वह शब्द लग जाएंगे। इसलिए इस यंत्र को वचन सिद्धि यंत्र कहते हैं। इसके बारे में अभी तक हमने यूट्यूब में कभी भी किसी को नहीं बताया था, लेकिन आप सभी के लिए, आप सभी की जिज्ञासा शांत करने के लिए, आप सभी को अपने छुपे ज्ञान को फिर से बताने के लिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे हर ज्ञान आपको प्राप्त हो, इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल में ये जानकारी बता रहे हैं। तो इस यंत्र को रवि पुष्य नक्षत्र में आपको बनाना होता है, या कोई भी शुभ दिन में आप इसे बना सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र अभी जो है जुलाई को 11 तारीख को पढ़ने वाले हैं। तो इस यंत्र को कुलंजन के रस से भोजपत्र पर लिखना होता है, कुलंजन के रस से, ध्यान दीजिए। इस यंत्र को सेम टू सेम आपको कुलंजन के रस से भोजपत्र पर लिखना होता है और सोने के ताबीज में भर करके इसे गले में बांध करके पहनना होता है। निश्चित रूप से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस यंत्र को धारण करने के बाद जो भी शब्द जिसे भी बोलेंगे वह शब्द लगने लगते, ब्रह्म की तरह लगने लगते, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आप भी चाहते हैं कि आपको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाए, आप किसी को बोलते हैं जो भी शब्द, वो शब्द लगने लगे तो यह यंत्र अवश्य धारण करें, 100% लाभ मिलेंगे। देवी देवताओं की तरह आपके भी वचन सिद्ध हो जाएंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।